सो हेलो गाइस, मैं आ शिगुआवा गया आपके लिए रे, एक और न्यू सोतो सो एक्साइटिंग कस्टम रूम शिगुआवा रे, वीडियो। सोतो और सो गाइस, कस्टम रूम ने हमने वर्सेस किया शिगुआवा है रे, नोब सोतो सो वर्सेस अल्ट्रा बोट, यानी अल्ट्रा बोट मैं हूँ और सामने नूब है एक मेरा फ्रेंड। तो चला उसके साथ वर्सेस स्टार्ट करते हैं और आपको थोड़ा सा भी मजा आए वर्सेस में। और उसमें मैंने कई सारे उसमें किए, आप देख सकना। और तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सो व्हाट्सअप गाइस, मैंने अभी स्टार्ट कर दिया है कस्टम रूम। मेरे दोस्त के अकाउंट में से बनाया था और उसमें उसने स्टार्ट कर दिया अभी। और हम गेम के अंदर जा रहे हैं और आपको ऐसे ही और मेरे वॉइस ओवर्स के साथ कस्टम रूम पार्ट 2 चाहिए इस नो ब्रदर के साथ, तो कमेंट में बता देना पार्ट 2 चाहिए तो फटाफट से गाइस। तो चलो आज हम करने वाले हैं AWM वर्सेस AWM, तो बहुत मज़ा आएगा। तो चलो देखते हैं, और फन भी हमने बहुत किया है। तो चलो लेट्स गो, उसके पास लेकर आपको जाता हूँ। सो गाइस, अभी मैंने वहाँ पर उसको बता दिया था डिस्कॉर्ड में कि तुम जहाँ पर हो वहाँ पर आ जाओ, मैं अभी नीचे हूँ। एक स्क्रीनशॉट अच्छा सा ले ले थंबनेल के लिए, तो उसको मैंने अभी बुलाया। और देखो एक और डुबलिंग का शॉट भी मारा, इसलिए उसको पता चल जाए कि मैं यहाँ पर हूँ। तो चलो वो आ गया, पीछे से था मेरे, बट मेरे को पता नहीं था। तो मैंने कहा उसको, तुम लाइन में से खड़े हो जाओ, एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और हम, और उसे अच्छा सा थंबनेल बना देंगे। और गाइस, आपको ऐसे ही हमारा व्हाट्सएप। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग के वजह। क्या सॉरी गाइस, ऐसे आपका हमारा वॉइस ओवर वाला चाहिए वीडियो और ऐसा ही कंटेंट चाहिए आपको, तो नीचे कमेंट में बता देना गाइस। और पार्ट 2 कब चाहिए वो भी मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। एंड सो सॉरी गाइस, अभी तीन दिन तक वीडियो नहीं डाल पाया, क्योंकि अभी मैं थोड़ा थोड़ा बिजी हूँ, इसलिए लॉकडाउन में थोड़ा थोड़ा बहुत काम आ जाता है। और वीडियो एक वीडियो एडिट करने में कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं, इसलिए उसने पीछे से मेरे को एक मारा 150 का फटका। तो कोई ना, मैंने अलग बाबा स्टार्ट करके उसको वो भी खोद दिए। तो चलो उसका 150 का फटका दिया, दूसरा नहीं लगा, अब तीसरा लग गया 300 का फटका। टपा टप टपा टप टपा टप, मालूम ना कैसा लेते फिर, टपा टप टपा टप टपा। डायरेक्ट मैं आपको वहां पर ही ले जाता हूँ गाइस। मेरे को लगा कि बहुत यहाँ पर बंदा है, बट यहाँ पर बंदा नहीं है, आगे थोड़ा सा बंदा है। तो मैंने थोड़ा आगे वीडियो ले लिया, आपको पता चले कि मैं कैसे अभी खेलता हूँ नूब की तरह। चल चूटा। तो चलो गाइस, वो आगे बंदा है बट मेरे को अभी पता नहीं है। अब उसने मेरे को एक फटका डाला या अड्डा नहीं, मेरे को सो उसका, इसलिए मैं देख गया उसको। तो उसको मैं अभी कैसे अपने जाल में से लपेटता हूँ वो आप देखते रहना। सो गाइस, थोड़ा सा हल्का सा मेरा यहाँ पर लैग हो गया था, और देख अभी एक भी गोली लगी नहीं उसको, तो फटक से हमने ग्लूवल मार दिया। और एक 150 का फटका देके उसने भी ग्लूवल लगा दिया, और हमारी एक गोली मिस होकर पीछे लग गई, और पीछे की तरह उसने ग्लूवल लगाया और एक सामने लगा दिया। बट अभी उसको थोड़ी सी हेल बची थी, हमारा 150 का फटका लगा कर उसने हमें उसको मार दिया, और दूसरी विक्टोरी आ गई। अब तीसरी विक्टोरी में कहाँ पर आता है, तो चलो देख लेते हैं। सो गाइस, अभी ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि उसका एक सिर्फ AW में उतना पैसा था, और अभी उसने मेरे को डिस्कॉर्ड में कहा कि मेरे पास ग्लूवल नहीं, तो मेरे को ग्लूवल दे दो। तो मैंने अभी उसको ग्लूवल देके सामने मेरी तरफ ग्लूवल लगा दी, और उसको कहा पीछे चला जा। ऐसे मजे में मैंने एक शॉट लगाया, बट लगा नहीं उसको। तो चलो अब उसको गोभी खोदते फिर से जाके अंदर से, एक फटका लगा 150 का, और उसका क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। तो चलो उसको गोभी खोदते फिर से 150 का लगा, ग्लूवल लगा कर 2 फटके डाल दो, टपा टप टपा टप टपा टप वो लगा दी उसने। अभी हम यहाँ पर जान से जान देते थे, बट वहाँ पर जा नहीं सके, इसलिए यहाँ पर अंदर से जाते हैं। और पीछे की तरह उसने ग्लूवल लगाई, मेरे को दिख गया था, इसलिए मेरे को पता चल गया कि यहीं पर है वो। बट उसने ग्लूवल में एक दिक्कत कर दी, क्या दिक्कत कर दी, उसने नीचे से देख दी। तो देखो मैंने उसको पैर पे एक गोली मार दी, वो विक्टोरी हो गई, क्योंकि उसके पैर से दिख रहा था साफ साफ सभी। तो चलो गैस, अभी कहाँ पर गोभी खोदती है उसकी, वहाँ पर आपको ले जाते हैं। सो गाइस, अभी हम उसके तरफ जा रहे हैं गोभी खोदने, हमारी गोभी खुदेगी कि उसकी खुदेगी। तो चलो वहाँ पर मैंने मारा, बट उसको लगा नहीं फटका, और यहाँ पर था वहाँ पर उसने जगह चेंज कर दी। और मेरे को अभी क्या होगा, आप देखो, ओ मेरे को 150 का फटका पड़ा और मैं लेट गया।
और लॉक स्टार्ट करके और उसको मैंने गोभी खोदी बट उसको लगा नहीं शॉट, तो मैंने सोचा कि यहाँ से मैं कवर बदल के अपना कवर लगा के आगे चला जाऊँ। अभी मैंने यहाँ पर कवर लगा कर मैं आगे जाने की कोशिश कर रहा था बट मैंने सोचा कि पहले हील कर लेता हूँ, एक फटके ओवर पड़ेगा तो मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन होगी। इससे सोचकर मैंने एक मेडिकेट यूज़ करके अभी ग्लोवल डाल के जा रहा था मैं आगे। मैंने सोचा वो फटका नहीं मारेगा तो मैं ग्लोवल नहीं लगाऊंगा, बट मैंने सोचा यहाँ पर से मैं निकल नहीं पाऊंगा इसलिए मैंने ग्लोवल आगे लगा कर वहाँ पर चला गया। और अभी देखो मेरी गोभी खोदेगा वो, गैस देख सकते हो मैंने वहाँ पर उसने देखा नहीं तब तक तो उसने मेरी गोभी खोद देगा वो। अभी मैं उसको देख रहा हूँ, देखो गैस वहाँ पर निकल कर यहाँ पर आ गया फिर से और गोभी खोद देगा मेरी या मैं उसकी खोदूंगा तो कुछ खबर पता नहीं चलेगा। तो गैस अभी मैं फिर से आलोक स्टार्ट करने वाला हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ अभी भी डाउन है और मेडिकेट्स दो थे वो दोनों के दोनों ख़त्म हो गए और उसको मैं इलिमिनेट करने का ट्राई करूँगा। जोन से इलिमिनेट हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, वरना मेरी गोभी खोद देखो दो टपा टप दो डॉट सूखा फटके दे दिए मैंने उसको। और बट अभी जोन से बाहर आ रहा है, ग्लोबल उसने क्यों नहीं लगाए बट तब तक मेरी रिलोड में थी इसलिए, वरना उसको टपा टप दे देते और म्यूजिक। बट तब तक तो वो इलिमिनेट हो गया था क्योंकि उसकी मैंने गोभी ज़्यादा खोद दी थी। सो गाइस अभी मैंने फिर से उसने डिस्कॉर्ड में मेरे को कहा था कि मैं कुछ सेटिंग कर रहा था, मेरे जंप बटन का कुछ लोचा हो गया था इसलिए मैं ADW नहीं ले पाया। तो मैंने कहा कोई ना मैं तेरे को आके दे रहा हूँ, तो इसलिए मैं ग्लो लगाते मजे में पीछे जा रहा था। बट उसने कहा कि मैं पीछे नहीं हूँ, मैं तुम्हारी जगह आगे चला गया हूँ। बट मैंने सोचा कि तू फिर से भी आ जाए पीछे, मैं तेरी गली में से निकल रहा हूँ। तो मैं उसकी गली में से निकल कर सामने दिखाया और सामने वो आता है, देख ना वो देखो आ रहा है सामने की तरह। मैंने यहाँ पर ADW निकाल कर उसका एक एम पैकेट देकर खींचे के लिए वहाँ से और उसको कह दिया कि तुम अपने रास्ते और मेरे अपने रास्ते। और मैंने कहा कि चलो अब ग्लूवल लगा के फायर शुरू करते हैं। मैंने ग्लूवल लगा रही फटाफट से वो उसने कवर में चला गया और मेरे पास कुछ नहीं था इसलिए मैंने पिस्तौल से एक मार दिया फटका उसको और अभी भी नहीं लगा। फिर से पिस्तौल लगा हाथ में आ गई थी थोड़ा कुछ पता नहीं चल रहा था क्यों आ जा रही थी बार बार हाथ में। और चलो अब लास्ट राउंड था और मैं मजे में उसको दे रहा था, मैं सोचा कि वो जीत जाए बट मैं वो जीत नहीं पाई। देखो ऐसे मजे में उसके पास खेल रहा था ऐसे मजे में बट वो मार नहीं पाया। वो आखिर में क्या होता है आप सभी को पता ही है, जो थिंग है वो जीत है। अभी वो टपाटप फिर से देखो गाइस वहाँ से 300 का फटका खा के फिर से यहाँ पर आ गया और उसकी तरह पर अभी मैं यहाँ पर विन बन गया हूँ इस गेम का। और 160 का रीडिंग कोड मेरे को अभी मिल जाएगा क्योंकि अभी ये हमने वर्सेस में नूब ब्रदर ने मेरे को इन्वाइट किया था कि अच्छा मैं अभी तेरे से प्रो हूँ इसलिए दिखा दिया मैंने उसका प्रोगिरी।